यूपी में धर्मांतरण कराने वाले 12 दोषियों को उम्र कैद, 4 को 10-10 साल की सजा। हिंदू से मुस्लिम बने उमर ने 1000 लोगों का बदलवाया धर्म। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं अनीशा और आप सब देख रहे हैं यूपी की आवाज। एटीएस की नोएडा यूनिट के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने 20 जून 2021 को लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि एटीएस को बीते कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ असामाजिक तत्व विदेशी संस्थाओं की मदद से लोगों का धर्म परिवर्तन कर देश के जनसंख्या संतुलन में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन किए गए लोगों में उनके मूल धर्म के प्रति नफरत का भाव पैदा कर कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। उन्हें मानसिक तौर पर देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों में वैमनस्यता फैलाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए वे देश के सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश में शामिल हैं। दोषी उमर गौतम ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि वह करीब 1000 गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। उनकी बड़ी संख्या में मुसलमानों से शादी कराई है। उमर ने ये भी बताया कि धर्म परिवर्तन के लिए ही जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर दिल्ली में एक संस्था इस्लामी दवाहा सेंटर चल रही है, यानी कि IEDC चल रही है। इस गिरोह का मुख्य उद्देश्य गैर मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराना था। इसके लिए संस्था के बैंक खातों और अन्य माध्यमों से रकम जमा कराई जाती। धन परिवर्तन के लिए विदेश से फंडिंग भी होती थी। अन्य राज्यों के लोग भी शामिल हैं। यूपी में अवैध धर्मांतरण मामले में लखनऊ की NIA कोर्ट ने बुधवार को यानी कि 11 सितंबर को 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा दी गई और 1 दोषी को कोर्ट की तरफ से स्टे दिया गया। कोर्ट की फैसला सुनाते वक्त सभी दोषी कोर्ट में मौजूद थे। अवैध धर्मांतरण मामले में यह पहला केस है जिसमें एक साथ 16 लोगों को सजा दी गई। मंगलवार को NIA ATS कोर्ट के स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सभी को दोषी करार दिया था। ATS ने बताया कि ये लोग नौकरी समेत कई तरह का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराते थे और फतेहपुर का मोहम्मद उमर गौतम गिरोह का सरगना है। वह खुद हिंदू से मुसलमान बना था, फिर उसने करीब 1000 लोगों का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया। इतना ही नहीं, मूक बधिर बच्चे भी इनका टारगेट थे। जी हाँ दोस्तों, ATS ने दावा किया है कि दोषियों के टारगेट पर नोएडा का मूक बधिर बच्चों का एक स्कूल भी था। नोएडा स्थित डेफ सोसाइटी के मूक बधिर स्कूल में पढ़ने वाले कानपुर निवासी मूक बधिर छात्र के परिजन से भी मामले में पूछताछ की गई। गाजियाबाद में दर्ज एक केस की पूछताछ में पता चला कि मुख्य दोषी बाटलाहौ से अंकी जामिया नगर दिल्ली का निवासी मोहम्मद उमर गौतम खुद हिंदू से मुसलमान बना, जो कई राज्यों में धर्म परिवर्तन करा रहा था। दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। आई होप ये अपडेट आपको अच्छी लगी हो। ऐसी और भी अपडेट के लिए बने रहिए यूपी की आवाज के साथ। नमस्कार।